Hello viewers, my name is Avantika Sharma, your maths tutor. Let's proceed to our today's topic, that is the question number 2 of exercise 3.2. हमें यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है कि वो ट्रू है या फॉल्स है. वन बाय वन हम स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और बताएंगे कि ट्रू एंड फॉल्स है. सबसे पहले ए, द सम ऑफ थ्री ऑड नंबर इज इवन. थ्री और नंबर का सम हमेशा इवन होता है. हमने हमारे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था कि टू और नंबर का सम तो इवन होता है, बट क्या थ्री का भी होता है? हम करके देखते हैं. जैसे कि वन प्लस सेकेंड और नंबर हम थ्री लेते हैं, थर्ड और नंबर हम फाइव ले लेते हैं. ठीक है, थ्री और नंबर हमने ले लिया. अब हम सम करके देखते हैं कि इवन होता है या ऑड होता है. थ्री प्लस वन फोर, फोर प्लस फाइव नाइन. तो नाइन क्या है? एक ऑड नंबर. जबकि इसमें क्या कहा गया है कि इवन नंबर होता है. इट्स मीन ये क्या है? रॉन्ग. इट्स मीन ये फॉल्स स्टेटमेंट है. कोई से भी आप थ्री ऑड नंबर लेकर के देख लो तो हमेशा उनका जो सम होगा वो ऑड नंबर ही होगा, इवन कभी भी नहीं होगा. नेक्स्ट वन बी, द सम ऑफ टू ऑड नंबर्स. टू ऑड नंबर्स एंड वन इवन नंबर. टू ऑड नंबर्स लेने हैं एंड वन इवन नंबर लेना है और उनका सम क्या होगा? इवन होगा. देखते हैं इवन होगा कि नहीं. जैसे कि टू ऑड नंबर, यही हम वन प्लस थ्री, हमने टू ऑड नंबर ले लिए. अब वन क्या लेना है हमें? इवन नंबर. हम टू लेके देखते हैं. ओके, थ्री प्लस वन फोर, फोर प्लस टू सिक्स. क्या आया? इवन नंबर आया. इट्स मीन ये स्टेटमेंट क्या है? राइट है. एक और करके देखते हैं. हमें टू और नंबर्स ले लेते हैं, थ्री प्लस फाइव. ओके, और उसमें एक इवन नंबर फोर ऐड कर देते हैं. देन फाइव प्लस थ्री एट, एट प्लस फोर ट्वेल्व. यहाँ पे भी क्या हुआ? हमारा क्या आया? इवन नंबर. इट्स मीन टू और नंबर्स एंड वन इवन नंबर को ऐड करने पे हमेशा क्या आएगा? सम इवन नंबर. इट्स मीन ये क्या है? ट्रू है. ओके, नेक्स्ट वन, द प्रोडक्ट ऑफ थ्री और नंबर इज ऑड. थ्री और नंबर को यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका प्रोडक्ट भी क्या आएगा? ऑड नंबर आएगा. करके देखते हैं इसको भी. जैसे कि वन थ्री फाइव, हमने थ्री और नंबर्स ले लिए, मल्टीप्लाई कीजिए. थ्री वन जा थ्री एंड थ्री फाइव जा फिफ्टीन, और फिफ्टीन क्या है? एक और नंबर है. इट्स मीन ये ट्रू है. एक और करके देखते हैं हम. थ्री फाइव नेक्स्ट सेवन, थ्री हमने और नंबर्स ले लिए, अब इनको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे. देन सेवन फाइव जा थर्टी फाइव एंड थर्टी फाइव थ्री जा क्या होता है? वन हंड्रेड फाइव. अब वन हंड्रेड फाइव क्या है? और नंबर. इट्स मीन थ्री, कोई भी और नंबर्स हम लेते हैं तो उनका प्रोडक्ट भी हमेशा क्या होगा? और नंबर ही होगा. ओके, लेट्स प्रोसीड टू अवर नेक्स्ट पार्ट. लेट्स प्रोसीड टू अवर नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर डी. इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय टू. किसी इवन नंबर को हम टू से डिवाइड करें, देन द क्वेश्चन इज ऑलवेज ऑड. तो जो क्वेश्चन आएगा वो हमेशा क्या होगा? ऑड नंबर होगा. हम करके देखते हैं. हम इवन नंबर लेते हैं, जैसे कि फर्स्ट इवन नंबर हम लेके देखते हैं फोर, एंड किससे डिवाइड करेंगे? टू से. देन टू से डिवाइड किया तो आंसर क्या आएगा? टू टू जा फोर. तो क्या टू एक और नंबर है? नहीं. इट्स मीन ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है. देन फॉल्स. नेक्स्ट वन इज ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड. सभी प्राइम नंबर्स ऑड होते हैं. तो जैसे कि आपको इंट्रो पार्ट बताया था, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो सिर्फ टू फैक्टर्स रखते हैं, या सिर्फ वन की टेबल में और नंबर इटसेल्फ मानी खुद की टेबल में आते हैं, ऐसे नंबर से कहलाते हैं प्राइम नंबर्स. देन ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड. नहीं, प्राइम नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? सबसे पहले प्राइम नंबर होता है नंबर टू, जिसकी की टू फैक्टर होते हैं. वन मल्टीप्लाई बाय टू इज इक्वल टू टू. टू के वन भी फैक्टर है, टू भी फैक्टर है. तो टू क्या है? प्राइम नंबर, जिसके ओनली टू फैक्टर्स है. देन प्राइम नंबर्स यदि ये कहा जाए कि सभी ऑड होते हैं तो रॉन्ग. जबकि टू तो क्या है? इवन नंबर है. इसलिए स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स स्टेटमेंट. नेक्स्ट वन क्या है? प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स.
प्राइम नंबर्स के कोई फैक्टर नहीं होते, ये भी रॉन्ग है। अभी जस्ट बताया गया कि प्राइम नंबर के टू फैक्टर्स तो होते ही होते हैं, एक नंबर वन, एक सेकंड क्या होता है नंबर इटसेल्फ। देन ये स्टेटमेंट भी क्या है, फॉल्स। ओके, लेट्स प्रोसीड टू अवर नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर जी, सम ऑफ टू प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन। किन्हीं भी टू प्राइम नंबर्स का जो सम होगा वो हमेशा क्या होगा, इवन होगा। तो देखते हैं, जैसे कि फर्स्ट प्राइम नंबर ही क्या है, नंबर टू। यदि टू को हम दूसरे और किसी प्राइम नंबर जैसे कि नंबर थ्री से ऐड करके देखते हैं, टू प्लस थ्री क्या आया, फाइव, जो कि क्या है, एक और नंबर। जबकि इसमें क्या कहा गया है कि ऑलवेज इवन नंबर, इसमें ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। Then it's a false statement. Next one, 2 is the only even prime number. 2 एक only even number है जो कि prime number है, तो ये right है। Only 2 ही एक ऐसा even number है जो prime number में भी आता है, जिसके 2 ही factor होते हैं। Then this statement is true. Next one is all even numbers are composite number. सभी even number composite number होते हैं, तो क्या ये right है, नो no. क्योंकि जैसे कि अभी बताया टू, टू एक इवन नंबर है बट ये क्या है, प्राइम नंबर है, तो सभी इवन नंबर कंपोजिट नंबर नहीं होते हैं। देन दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट वन इज द प्रोडक्ट ऑफ टू इवन नंबर। किन्हीं भी टू इवन नंबर का प्रोडक्ट हम लिख करके देखते हैं, टू सेकेंड इवन नंबर फोर, टू फोर जा क्या होगा, एट, इज ऑलवेज इवन। यस, हमारा आंसर भी क्या है, एट। एट क्या है, इवन नंबर। किन्हीं भी टू इवन नंबर्स को यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो प्रोडक्ट आएगा वो भी क्या होगा, इवन नंबर। इट्स मीन दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। लेट्स प्रोसीड टू अवर नेक्स्ट पार्ट।